अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा होस्ट अख्तर चौधरी ते तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब दी सकाफत जिथे अपने आप दे विच खूबसूरत रवायात ते रस्मां रखदी है, उस तरह पंजाब दे रहण वाले पंजाबी पूरी दुनिया दे विच अपनी मिठी बोलियां ते खूबसूरत गल्लां तों मशहूर ने। अज असीं तुहानूं पंजाबी औरतां दे इक खूबसूरत रवाज नाल मुतारफ करवावांगे, जिस तरह के तुसी वेख सकते हो कि पिंड दे विच औरतां रल मिल के बह के ते रोटियां बना रही ने। यह पंजाब का खूबसूरत रवाज सदियों तो चलिया आ रहा है। आम तौर पर पिंड दे विचकार या फिर गली महल्ले दे विचकार एक पट्ठ लाया जाता है, तो महल्ले दियां सारियां औरतां उत्थे बह के रोटियां बनांदियां ने ते नाले आपदे आपदे दुख फरोलदियां ने। जदों रल के सारियां बहिंदियां ने ते हासे खेडे करदियां ने ते सारे दिन की थकावट लह जांदी है। पंजाब दियां ये खूबसूरत रस्मां ही पंजाब नूं सारी दुनिया तो मुमताज़ करदियां ने ते पंजाब दे रहण वाले पंजाबियों नूं अपनी सकाफत ते रहन सहन दे उत्ते बहुत ज़्यादा फखर है। वालेकुम सलाम भाई। भाई जी की कर रहे हो? भाई अपनी मेहनत मजदूरी पट्ठ लाया है जी, बहुत साढ़े प्यो दादे दी जद्दी पुश्ती दा पट्ठ है। माइयां आंदियां ने रोटियां पकांदियां ने, सानू रिजक मिलदा है, सानू हर शाय इत्थों रोटी पानी बच्चों की मजदूरी लभदी है जी। तो ये की इहदा सिस्टम है, किवें तुसीं ये मतलब चलांदे जे, किवें इत्थे इकट्ठे हुंदे लोक? ये 12 जी बालन लैके आईदा, 5 बजे तो बाद इत्थे पट्ठ ते बुढ़ियां रोटियां पकाण आ जांदियां ने। सारिया औरतों जिन्या भी महल सारिया कट्ठिया होंदिया ने, आपो अपन रोटियां बच्चों वास्ते पका के जाएँ, गैस आती नहीं, इस तरह का जो भी इंतजाम है नाल साड़ी भी मजदूरी चलती है। माइया आन के बह के नाले रोटियां पकादियाँ, नाले हसदियाँ खेडदियाँ, नाले गप छप लादियाँ ने। सो जो भी मसला है वो इतने माशाल्लाह पूरा होंगे, साढ़े बच्चों की रोजी चलती है। अच्छा, तो भाई ये जी रोटी तुम पकाते हो एड्डी वीडी पट्ठी है पट्ठ लाया तुम जरा, हाँ जी, इनकी रोटी च जी घर लोग रोटी बनाते हैं गैस की चुल्हे की, उन्होंने की फर्क है? गैस की रोटी का निजाम ये भी वो ताज़ा जो कोई बहरों मजदूर आना काम करके उन्हें ताज़ा रोटी पका के खानी, इतने रोटी तुम पका के लै जावो, शाम को पका के लै जावो, सुबह तक लपेट के रख लो रोटी, उस तरह ही रही गर्म दी गर्म, और इन ताज़ा यादा मिलदियां ने। पुराने वक्तों की रोटी है जो भी है, जिस तरह भी निज़ाम है ये लोग बहुत पसंद करते हैं, शहरी भी पेंडू भी महल्लेदार भी घर बार वाले भी छोटे बच्चे भी सियाने भी औरतों भी। अच्छा, ये पंजाब की तहजीब है कि पुराने वक्तों के पट्ट होंगे सी, हूँ तो पट्ठा का रवाज नहीं रह गया? ये जी जिन्होंने छड़ दिता उन्होंने छड़ दिता, लेकिन साढ़े प्यो दादे की विरासत सी, असी शुरू किया इंजाम से कोई अपने गरीबी के तलुकात वेख के हालातों वेख के जो भी इंजाम से मैं सोहना चला लिया, ठीक है, मेरे बच्चों की रोटी मिलती है इंशाल्लाह, मैं ना बहुत मेहनत तो करना शाम सवेर औरतां रोटियां पका के जांदियां ने और मैं मजदूरी मिलती है, लगता आसान है तो मजदूरी खूब मिलती है। तो भाई ये औरतों के बारे तो मशहूर है कि औरतां जो गल्लां शुरू कर लैंदियां ने तो उन्हां दियां गल्लां नहीं मुकदियां, तो इतने किनिया औरतों दियाँ ने, तो फिर किहो जिहा माहौल हुंदा है जदों इत्थे रोटियां पकांदियां ने? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, इत्थे औरतां आंदियां ने अपने घरां बारां दे दुख करदियां ने, एक दूजे नाल दुख सुख करदियां ने, हर शायद का निज़ाम चलता है, ठीक है, बैठियां रोटियां पकाई जांदियां ने, तू आटा लिया वो बेचारी पिछे बैठी हुंदा आटा फड़ के पकाने लग पैंदी, शौक नाल कोई पकाई जांदा कोई किस तरह पकाई जांदा, ठीक है, जिन्ना चिकर मर्जी बैठिया रहन सारी रात बैठिया रहन, उन्होंने कोई टेंशन नहीं, बच्चों रोटियां घर पका के भेज देंदिया ने, आप अगले का आटा पकाता पिछले का पकाता, जो भी इंतजाम है अल्लाह ताला ने सोहना चलाया है, नाले बैठिया गल्लां कर नाले बैठिया गल्लां की जांदियां ने, नाले इत्थे हसदियां ने खेडदियां ने, लड़ाई झगड़ा नहीं इत्थे करदियां आण के जो भी है, ठीक है, यानी कि इंजी इतने आन के रोटियां पकादियाँ जिमें अपने भैन भरा आप सुने घर च बह के गलबात करी दी, रोटियां पानी पका के खाई जो भी है। तो ये एडी वड्डी सारी पट्ठी है जिहड़ी तुसीं बनाई है, तो पाठे बल के पाठी कही दा, पुराने वक्त जब अभी सुनते होंगे सा पिंडा च पाठ हजे भी लगा हो, तो ये तुसीं सानूं ये दसो कि ये तुसीं मिट्टी कितों लिया के मतलब बनाई है, कुछ स्पैशल जी मिट्टी थले लगी है तो बड़ा मतलब खूबसूरती ना बनाया कि बनाया बनाया मिल जाता है? शहरों चो आम पट्ठिया छोटिया मिलदियां सी, वो एक एक पट्ठी लियांदे सी घर दा, सिर्फ घर दे अपने कोठे ते रख के चला लैंदियां सी जां घर विहड़े चला लैंदियां सी,
ਇਹ ਪੱਠ ਮਿਲਦਾ ਪੱਤੋ ਤੋਂ, ਇਹ 5000 ਦਾ 4000 ਦਾ ਪੱਠ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪੱਤੋ ਤੋਂ ਪੱਠ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਕਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਮਣ ਆਟਾ, 5 ਮਣ ਆਟਾ, 2 ਮਣ ਆਟਾ, 3 ਮਣ ਆਟਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੱਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਈ ਦੀ, ਤੂੜੀ ਲਿਆਈ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਚਾਰ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਠ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਭੱਠੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੱਠ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ